अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है। पीरियडिक टेबल आप अक्सर सुनते आ रहे हैं लफ्ज़, और पिछले चैप्टर्स के अंदर आप लोगों ने बहुत से एलिमेंट्स को देखा है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा है। तो आप इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स जो दरियाफ्त हुए, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले 9 एलिमेंट दरियाफ्त हुए, फिर आगे बढ़ते गए तो 50 हो गए, फिर 128 हैं अब। तो उन एलिमेंट्स को अरेंज करना, जो एलिमेंट दरियाफ्त होते गए उनको अरेंज करना, उनको कैसे रखना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके अंदर उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे उनकी अरेंजमेंट करना, ठीक है, उसके लिए जो सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया था वो क्या इस चैप्टर में हम पढ़ देखेंगे, ठीक है। जैसे कि 19वीं सेंचुरी के अंदर केमिस्ट जो है वो इस बात पे थे कि एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया जाए, जिसकी ये जो डिस्कवरी है वो पीरियडिक टेबल के नाम से हुई। पीरियडिक टेबल जो होता है उस वक्त एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल विच इज़ नोन एज पीरियडिकल ऑन द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द पीरियडिक टेबल वाज दैट इट प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट विच वर नॉट इवन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। पीरियडिक टेबल की एक ये खासियत भी थी, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीरियडिक टेबल की एक ये खासियत भी थी कि पीरियडिक टेबल को इस तरह से अरेंज कर दिया गया था कि उस वक्त जो एलिमेंट्स दरियाफ्त अभी नहीं हुए थे उनकी जगह भी उस पीरियडिक टेबल में रख दी गई थी, बना दी गई थी। पीरियडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं टेबल के अंदर वो ग्रुप कहलाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो पीरियड्स कहलाते हैं। ये ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं जब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कवरी देखते हैं। पीरियड टेबल की दरियाफ्त कब स्टार्ट हुई, जब एलिमेंट दरियाफ्त होना शुरू हो गए तो बहुत से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। सबसे पहला साइंटिस्ट था डू ब्राइनर एक साइंटिस्ट था, और ट्राई का मतलब है चार और एड मतलब एडिशन। डू ब्राइनर एक साइंटिस्ट था, इसने एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप बताया कि इसने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया, ठीक है जी, जिसने ट्राई एड का नाम दिया गया। कैसे किया, इसने बताया कि सेंट्रल वाला जो एटम है और मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास का अगर एवरेज किया जाए, द सेंट्रल और मिडल, तो सेंट्रल या मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे, मतलब अगर तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया जाए तो उसमें पहले और तीसरे का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो दरमियान वाले एटम के एटॉमिक मास के बराबर होता है। जैसे कि इसने कैल्शियम लिया, स्ट्रोंशियम लिया और बैरियम लिया, इसने देखा कि कैल्शियम और बैरियम अगर इन दोनों को प्लस किया जाए और इसका एवरेज निकाली जाए तो वो 88 आती है, तो इन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो 88 के स्ट्रोंशियम 88 के बराबर था। इस बुनियाद पर इसने अरेंजमेंट की थी इसकी, लेकिन इस अरेंजमेंट में बहुत थोड़े एलिमेंट आते थे इसलिए ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा एक्सेप्टेंस हासिल ना कर सकी और इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। दूसरी बात आ गई न्यूलैंड ऑक्टेव की, दूसरा साइंटिस्ट था न्यूलैंड, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं 8 को, 1864 के अंदर इसने एक अपना मॉडल पेश किया था, अपना कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसने इसने एलिमेंट्स को 8-8 के ग्रुप में अरेंज किया। इसने कहा देर वॉज अ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ़ दे वर अरेंज बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट के साथ मिलता जुलता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब पहले की प्रॉपर्टीज़ 8वें एलिमेंट के साथ मिलती जुलती है। इसने इसको म्यूजिकल नोट्स के साथ, म्यूजिकल नोट्स क्या हैं, ये जो आप अक्सर TV वगैरह में सुनते हैं सारे गामा पा दा नी सा, उस पर सा रे गा मा पा दा नी और फिर सा, मतलब पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट के साथ, ये आप साथ जो सुनते हैं आप सुन के देखेंगे तो पता चलेगा। इसने अपने इस डिस्कवरी को म्यूजिकल नोट्स के साथ कंपेयर किया, ठीक है जी, लेकिन ये भी ज़्यादातर जो है वो ना चल सका क्योंकि इसमें भी जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, जो एलिमेंट अभी दरियाफ्त नहीं थे उनकी जगह नहीं थी, तो ये भी ज़्यादा देर तक ना चल सका। फिर एक साइंटिस्ट आया, रशियन साइंटिस्ट था मेंडलीव, इसने उस वक्त जो 9 एलिमेंट 63 एलिमेंट उस वक्त दरियाफ्त हो चुके थे उनको हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर, जिनका पीरियड का नाम दिया, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए रुझान की वजह से जो है वो अरेंज किया, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर कॉलम में अरेंज हो गए, जिसने उसको पीरियडिक टेबल का नाम दिया, ठीक है। इसने अपनी वर्किंग को पीरियडिक लॉ का नाम भी दिया, जो बाद में डेफिनेशन उसकी जो बनी वो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं
वो अपने एटॉमिक मास की बुनियाद पे पीरियडिक फंक्शन, पीरियड, पीरियडिक फंक्शन का मतलब है पीरियड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, वक्फे के बाद, मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। मेंडली पेरिटेबल वाज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट, येट इट वाज अ फ्यू डीमेरिट्स इन इट, हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स सजेस्टेड दैट एटॉमिक मास एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज अ बेसिस। इसकी भी इस, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पर प्रॉपर अरेंज कर दिया, लेकिन इसमें भी कुछ डीमेरिट आए। डीमेरिट क्या है? चूँकि इसने एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया था, और जो कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके आइसोटोप भी थे, अब जो आइसोटोप रखने वाले उनके एटॉमिक मासेस तो डिफरेंट थे, इसलिए आइसोटोप की पोजीशन भी इसने नहीं बताई, और कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जिनका इसने एटॉमिक मास भी गलत बताया। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने याद करनी है। मेंडलीव कौन था, ये इसमें लिखा हुआ है, उसने क्या कंट्रीब्यूशन की थी, ड्यूब्रेनर ट्राइएड क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेव क्या है, मेंडलीव पीरियडिक टेबल क्या है, पीरियडिक लॉ क्या है, और पीरियडिक लॉ की डेफिनेशन क्या है, और ये इसके डीमेरिट्स, ये डेफिनेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। ठीक है जी, यहाँ तक आप याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।